वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th का कंपनी अकाउंट्स, और उसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं शेयर कैपिटल। आई नो थोड़ा सा गैप आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, काम बहुत है और टाइम जितना है उसमें हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक समझाया था। आई एम रियली हैप्पी कि बच्चों को बहुत पसंद आया। सबने लिखा कि सर अब कंपनी अकाउंट चालू कर दो, हमारे स्कूल में भी पार्टनरशिप तक हो गया है, सब चीज़ें हो गई, लेकिन अब आप कंपनी अकाउंट चालू कर दो। तो लेट्स स्टार्ट, आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चुका, पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो चुका है। लेट्स स्टार्ट विद द कंपनी अकाउंट विद द फुल फ्लैजेड पार्ट। एक क्वेश्चन लूंगा और उसके ऊपर एंट्री कराऊंगा एंड तक चलते चलते, लेकिन क्या क्या करेंगे वो बाद में, लेकिन कुछ बेसिक पहले समझेंगे, फिर आज की क्लास में सीखेंगे कि एंट्रीज कैसे बनती हैं, ये होता क्या है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, शेयर्स के टाइप क्या होते हैं, ये सब कोशिश करके आज की क्लास में खत्म करेंगे। कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, कंपनी अकाउंट के टॉपिक पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज आखिरी तक वीडियो में बने रहना, पेशेंस को लूज मत करना कि यार पहले तो लेक्चर आपके 5-10 मिनट के होते थे, 15-20 मिनट के होते थे, अब ये 1-1 घंटे के बना दिए, जो है वो बनेंगे। नो नीड टू गेट पैनिक, धीरे धीरे सीखना है, भागना नहीं है, रेस नहीं लग रही है, हमें समझना है चैप्टर को, अच्छे से समझना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी, अगर अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो भी, एज ए टीचर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को और आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प मिलती है तो पढ़ाइए इसको देख देख के। प्लीज नो नीड टू वरी अबाउट, क्योंकि ये टॉपिक मेरा अपनी जागीर नहीं है, सबका है। लेट्स स्टार्ट, और आज की क्लास में शेयर कैपिटल के अंदर हम बात करते हुए कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे पहले, क्योंकि वो आपको पता होनी चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है तो उसको पैसे चाहिए होते हैं, जो पैसा जिससे वो बिजनेस शुरू करते हैं उसको बोलते हैं हम कैपिटल। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज की या लिमिटेड कंपनीज की, जहाँ पे, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की जिसके अंदर कंपनी का ऑनरशिप किसी एक के पास नहीं होती, तो वो हमारी शेयर होल्डिंग को डिवाइड कर देते हैं, हम बोलते हैं इसको ऑनरशिप को डिवाइड करते हैं। अब किसके पास कितनी ऑनरशिप है, दैट विल बी डिसाइडेड विद द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज़ फ्रॉम द कंपनी। तो टोटल कंपनी की कैपिटल अगर 1 करोड़ है और दो ही पार्टनर है 50-50 के, तो कितना हो गया शेयरिंग, कितना हो गया 50% शेयर 50% शेयर, 50 लाख 50 लाख। लेकिन अगर 5 है तो इक्वल है, तो 20-20 लाख 20-20 लाख 20-20 लाख 1 करोड़ हो गया। लेकिन अगर 50 है तो डिवाइड बाय 50, अगर 100 है तो डिवाइड बाय 100, इस तरह से करते करते आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग डिवाइड हो जाती है। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार शेयर होल्डिंग इक्वल प्रोपोर्शन में हो, कोई 10 लगाएगा, कोई 50 लगाएगा, कोई 5 लगाएगा, कोई 2 लगाएगा, कोई 1 लगाएगा, तो हर किसी की शेयर होल्डिंग अलग अलग हो सकती है, सबका प्रपोर्शन ऑफ ऑनरशिप कैन बी डिफरेंट। तो हमें वहाँ पे ये समझना होता है कि इस तरह की डीलिंग में कंपनीज अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती है। तो कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक अकाउंटिंग, हाउ टू डू अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल व्हेन वी इशू द शेयर इन द मार्केट। दो तरह के शेयर होते हैं मार्केट के अंदर, इसके बारे में थ्योरेटिकली हम पहले भी कर चुके हैं, बाद में भी करते रहेंगे। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होते हैं परमानेंट मेंबर ऑफ द कंपनी, ये हमारे रिस्क होल्डर होते हैं, ये हमारे सबसे बड़े मतलब फाउंडर मेंबर सब कुछ यही है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, जो आपको शेयर्स मतलब पैसा देते हैं कंपनी को, और उनकी कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आज हल्का फुल्का। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के पास होते हैं प्रेफरेंशियल राइट्स कि जब कभी भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले डिविडेंड इनको दिया जाएगा, जब कभी भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो सबसे पहले पैसा इनका वापस दिया जाएगा, समझ रहे हैं? ये 2-3 राइट है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को वोटिंग राइट नहीं होता, जो इक्विटी वालों को होता है। ये सब चीजें आपकी बुक्स में गिवन है, आपको अच्छे से सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया मुझसे लो, बुक को पढ़ो, समझ आ गया ठीक है, नहीं तो नीचे डाउट लिख दो, जहां कमेंट लिखोगे, जहां डाउट होगा मैं उसका रिस्पॉन्स जब भी टाइम मिलता है मैं दे देता हूँ। Now, अब आपको समझना ही है कि शेयर कैपिटल के कितनी चीजें आपको समझनी होती हैं। सबसे पहले चीज जो आपके पास आपको पता होना चाहिए, एक होती है ऑथराइज कैपिटल। अब मैं इसको बड़ी लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और आपको समझ आता है तो बता दीजिएगा कि लाइक करके और अपने कमेंट दे देगा। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन जनरेट फ्रॉम द इश्यू ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ शेयर्स। आपको मालूम होना चाहिए कि एक कंपनी के पास एक ही तरह के नहीं शेयर होते, कई तरह के शेयर होते हैं जो मार्केट से वो लॉन्च कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर शेयर कैटेगरी में आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। लेट्स से हमने कहा कि आपकी कंपनी की जो मैक्सिमम जो लिमिट है उस शेयर्स के अंदर जो आप मार्केट से ले सकते हो, पब्लिक से ले सकते हो, वो है आपकी 10 लाख की। अभी छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो जी,
अभी हमें 10 लाख की जरूरत नहीं है, तो हमने कहा ठीक है अभी कुछ पैसे के लिए हम मार्केट में डिमांड करते हैं, इसको बोलते हैं इश्यू कैपिटल। फिलहाल कितना पैसे चाहिए आपको? 10 लाख नहीं चाहिए, आपको 1 लाख ही चाहिए। चलो हमने कहा 1 लाख रुपए हम मार्केट से उठाएंगे, तो हमने इश्यू कर दिया, मतलब वी आर इनवाइटिंग पब्लिक टू गिव मनी टू बिकम शेयर होल्डर विद द कंपनी, हमारे मेंबर बनो, ओनर बन जाओ। अब हमने जितना इश्यू किया सब लोगों को उतना हो सकता ना चाहिए हो, तो उसके अंदर कितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कैपिटल। आज मेरे आपके टर्म्स क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये मतलब क्या होते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है, इसके अंदर दो कैटेगरी होती है, अंडर सब्सक्राइब्ड और ओवर सब्सक्राइब्ड। अब कुछ बच्चों ने अगर कंपनी अकाउंट पढ़ लिया है बुक में, या आपने पहले एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर आप 12th में पढ़ा हुआ है, तो एक बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने मांगा कितना, 1 लाख, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन जो दी हमें, जो बोला कि भैया हमें तो जब पूरा कैलकुलेशन किया तो एप्लीकेशन आई सिर्फ 80,000 के लिए, तो क्या हो गया, चाहिए था 1 लाख, एप्लीकेशन आई 80,000 के लिए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी बहुत ही अच्छी है, हमने तो 1 लाख के लिए मांगा था, यहां तो भैया ज्यादा के लिए आ गया, 1,20,000 के लिए आ गया, तो क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये नाम आपने बहुत बार पढ़े हैं और ये अच्छे से दिमाग में उठा लो उसका मतलब क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो हम वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड्स को लेकर कि इसको क्या ले, मीनिंग क्या ले। अब जब हम पैसा मांगते हैं किसी भी शेयर के बदले, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप क्या होता है, शेयर्स की ना डिनोमिनेशन होती है, डिनोमिनेशन मतलब जैसे आपकी करेंसी होती है ना, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, ये डिनोमिनेशन है हमारी। उसी तरह से शेयर्स की डिनोमिनेशन होती है कि शेयर कितने का इशू होगा, 10 रुपए का भी हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है, 1,000 रुपए का भी हो सकता है एक शेयर। हम लेते हैं 10 रुपए का शेयर, तो ये 10 रुपए इकट्ठे नहीं मांग सकते हम, आप चाहो तो मांग लो, लमसम में मांग लो या पेड कॉल्ड अप कर लो। तो जब कॉल्ड अप करते हैं हम, धीरे धीरे करते हैं, तो कॉल्ड अप इसको हम 4 पार्ट में नॉर्मली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, दूसरा अलॉटमेंट मनी, तीसरा फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, कुछ भी हो सकता है लेकिन हम कहते हैं फाइनल कॉल। चलो तो अगर आपका एक शेयर 10 रुपए का है, तो हो सकता है कि आप 2 रुपए एप्लीकेशन पे दो एडवांस, जब आपको शेयर चाहिए तो एडवांस दोगे ना, जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो फिर 3 रुपए दो, फिर 2 रुपए दो, फिर 3 रुपए दो। मतलब अगर आपने शेयर अप्लाई किए 500, तो 500 × 2 एडवांस दोगे, 500 × 3 अलॉटमेंट पे दोगे, 500 × 2 फर्स्ट कॉल पे दोगे, 500 × 3 फाइनल कॉल पे दोगे। अब कई स्टूडेंट ये पूछते हैं क्लासेस के अंदर, सर ये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल क्यों बोला, सर नाम रखे हुए हैं, कॉल कर रहे हैं पैसे दो है ना, तो पैसे दो हो गया एप्लीकेशन वगैरह। जब ये हो गया कॉल्ड अप, अब सारा पैसा जरूर थोड़ी आ जाए हमारे पास, हो सकता है कुछ पैसा आए कुछ पैसा ना आए, पेड अप कैपिटल। तो इनमें से कितना पैसा आ गया वो पेड अप, जो पैसा नहीं आया अनपेड। अब जब पैसा अनपेड हो गया, उसको हम बोलते हैं, एक्चुअली टेक्निकली बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कुछ पैसा हो सकता है, अब ये आपको धीरे धीरे आपको समझ आएगा चीजें, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है कि आपके पास 500 शेयर्स हैं, तो 500 शेयर में आपने मुझे 2 रुपए भेज दिए, 3 रुपए भेज दिए, लेकिन जब फर्स्ट कॉल की बारी आई आपने नहीं दिए, तो आपने कितनी कॉल दे दी, आपने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो सिर्फ कॉल कॉल इन एरियर की नहीं है, अगर आपने एप्लीकेशन देके अलॉटमेंट नहीं दिया तो वो भी कॉल्स इन एरियर्स है। तो हमने कॉल तो किया लेकिन आपने पैसा नहीं दिया, क्या बोला पैसा दो, उसने कहा नहीं है पैसा दो, वो चुप होके बैठ गया, और दो का नहीं चिल्ला चिल्ला के हॉर्न लेके बैठेंगे, इट इज़ एन ऐप, ईमेल भेज दी या फिर कुछ उसको हमने एक मेल कर दिया या फिर हमने फ़ोन कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो कॉल इन एरिया मतलब उसने कितना पैसा नहीं दिया, मतलब मनी कॉल्ड बट नॉट कॉल्ड बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। देन
जब ऐसे केस होते हैं जब हमें पैसा नहीं मिलता तो वी गो फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना कि भैया मैंने आपको एक गाड़ी दी थी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो मैं गाड़ी जब्त कर लूंगा ना आपने। सिमिलरली मैंने आपको शेयर दिया था कंपनी का, उसके ऊपर आपने 2 रुपये देने थे, फिर 3 रुपये देने थे, फिर 2 रुपये, फिर 3 रुपये, 10 रुपये टोटल देने थे। आपने 2 रुपये दिए, 3 रुपये दिए, लेकिन बाद में पैसा नहीं दिया, दोबारा मांगा फिर नहीं दिया, दोबारा मांगा फिर नहीं दिया। कंपनी की पॉलिसी है, हमने आपका शेयर वापस ले लिया, तो लिए वापस नहीं किया, शेयर वापस दे दो, हमने अपने शेयर बुक में आपका नाम काट दिया। अब ये शेयर किसके हो गए? हमारे हो गए। हम क्या करेंगे? इसको दोबारा बेच देंगे मार्केट में, है ना? तो दोबारा इसको बेच दो, री इश्यू ऑफ शेयर। तो याद रखना, ये री इश्यू ऑफ शेयर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फॉरफिटेड शेयर्स। ये नए शेयर नहीं है, री इश्यू है, जो आपने जब्त कर लिए थे उन्हीं को आपने दोबारा से मार्केट में बेच दिया, दैट इज कॉल्ड री इश्यू ऑफ शेयर्स। और उसके बाद इसके बेचने पे अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है, वो कैसे निकालते हैं हम बाद में देखेंगे, उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व। तो है क्या फंडामेंटली? आपको समझ आना चाहिए, ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड, फॉरफीचर, री इश्यू एंड कैपिटल रिजर्व। ये हमारी कहानी होती है शेयर्स की, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब कहानी शुरू होती है कि सर ये एंट्री कैसे बनती है। एंट्रीज ये बनती कैसे है? तो एक छोटा सा केस लूंगा, उसके हिसाब से आपको एंट्री सिखाऊंगा। हो सकेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज जब मैंने 1995 की बात करो, 1995 एंड की बात थी, जब मैंने चैप्टर कहीं से सीखा तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि वो आज तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चैप्टर पढ़ाते हुए बड़ा मजा आता है, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और प्लीज जितना अच्छा से समझोगे उतना आगे पेपर भी दे पाओगे और दूसरों को समझा पाओगे। अब शुरू करते हैं कहानी। ये एंट्री सर बनती कैसे है? हमने कहा जर्नल का फॉर्मेट तो पता है ना, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये हमें मालूम है। मैं फॉर्मेट पे अभी नहीं जा रहा, सीधा एंट्री सिखाएंगे। कहानी शुरू करते हैं। दो भाई थे, हनी भाई, मनी भाई, नाम लिखते हैं इनका। ठीक है, जिन्होंने मुझे सिखाया भैया ने, उनका ही आज मैं फॉलो करता हूं। हनी भाई, मनी भाई, ये दो भाई थे, हनी भाई, मनी भाई, दोनों खाली बैठे थे। ये स्टोरी है सिर्फ काल्पनिक कथा है, मैं लिख दूं जी, दिस स्टोरी इज एंटायरली फिक्टिशियस, मेयर रिजेम्बलेंस टू एनीबॉडी इज क्वाइट कोइंसिडेंटल, इसका कोई लेना देना किसी भी वास्तविक घटना से नहीं है। ठीक है, मूवीज में बोलते हैं इसे। तो हमारे दो भाई थे, हनी भाई, मनी भाई, दोनों के दोनों आराम से बैठे हुए थे, क्या करें क्या करें क्या करें। तो हनी भाई ने चिल्ला के बोला, अबे मनी भाई तेरा नाम ही मनी है यार, पैसा तो है नहीं हमारे पास। तो मनी भाई ने कहा, यार एक काम करते हैं, मैंने पढ़ लिया है, एक कंपनी को लॉन्च करते हैं। कहता उससे क्या होगा? कह रहा हम कंपनी को लॉन्च करेंगे और कंपनी के शेयर्स मार्केट में डालेंगे, लोग पैसा देंगे, हमारा काम बन जाएगा। कहता यार लोग इतने अच्छे हैं। कहता हिंदुस्तान है भाई, इतनी बड़ी जनसंख्या है, लोग देखते नहीं शेयर पर पैसा लगाते रहेंगे, वो देखते हैं कंपनी का नाम कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में पैसा फेंक देते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब कहानी के हिसाब से है, ये मैं सोचने की इसलिए, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा भी होता है, कई लोग शेयर मार्केट में डूबते ऐसे तो है। एनीवेज, कमिंग बैक टू शेयर कैपिटल ओनली। तो हनी भाई मनी भाई झगड़ा कर रहे थे, क्या करें क्या करें। इन दोनों ने क्या किया, चल एक काम करते हैं यार, कंपनी लॉन्च करते हैं। हमने कहा ठीक है, एचएम लिमिटेड कर देते हैं। चलो एचएम लिमिटेड, ये भी क्वाइट कोइंसिडेंटल है, मुझे नहीं पता कोई असली कंपनी है या नहीं ऐसी। तो इन्होंने क्या किया, जब ऐसा हो गया तो इन्होंने मार्केट में 10,000 शेयर इशू करे, जिसका प्राइस रखा है इन्होंने 10 रुपए। ये प्लीज सुनते रहना और साथ साथ देखना मैं क्या लिख रहा हूं। 10,000 शेयर मार्केट में इशू करे और 10 रुपए का प्राइस रखा, और ये बोला गया कि हम इसको 4 टुकड़ों में कॉल अप करेंगे, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगेंगे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांगेंगे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपए फाइनल कॉल पे। कैसे मांगेंगे? एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगेंगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मांगेंगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मांगेंगे और फाइनल कॉल पे 3 रुपए मांगेंगे। ऐसे हमने 4 पार्ट में पैसे मांगेंगे। उसने कहा ठीक है भाई, वेट करते हैं। अब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तो दी जाएगी ना, जब प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाएगा, इसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब हम मार्केट में टाइम देते हैं तो हमने कहा ठीक है, 2 महीने का टाइम है, जितने लोग सब्सक्राइब करना चाहें अपना पैसा एडवांस भेजें। तो हमारे कितने शेयर मार्केट में इश्यूड है? 10,000।
कितने रुपए की एप्लीकेशन है? 2 रुपए। तो किसी को भी शेयर चाहिए तो वो कितने रुपए भेजेगा? 2 रुपए। तो किसी को 200 शेयर, किसी को 500 शेयर, किसी करके टोटल 10,000 शेयर पे 2 रुपए आने चाहिए। तो 10,000 × 2 20,000 रुपए एडवांस आना चाहिए। अब दोनों बैठे हुए हैं, तसल्ली से बैठे हैं, टाइम हो गया है, अभी एक दूसरे पे झगड़ा चालू हो गया है, यार तूने प्रोस्पेक्टस का खर्चा भी करा दिया, इतना खर्चा करा दिया, वो करा दिया, पैसे तो दे दो, आए नहीं। तो मनी भाई ने कहा, संतुष्टि रख, टेंशन मत ले, हिंदुस्तान है, लोगों के पास बहुत पैसा है, वो जरूर लगाएंगे पैसा हमारे साथ। तो भी क्या हुआ, तो वो बैठे हुए थे आराम से बैठे हुए, तभी दरवाजे पे घंटी बजी, टिंग टोंग, दरवाजे पे घंटी बजी, टिंग टोंग, तो टिंग टोंग हुआ एक, देखो एंट्री शुरू होते हैं यहां से, टिंग टोंग, ये टिंग टोंग वगैरह, और ये दो नाम मेरे ऐसे हैं जो मैं कई सालों से यही यूज करता आ रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ा था तो मुझे आज तक मजा आता है उसी को पढ़ाने में। तो टिंग टोंग, दरवाजे पे घंटी बजी, अब ये दरवाजे की घंटी में, सर आजकल तो डी मेटेरियल इसका टाइम है, डी मेट का अकाउंट है, हम वो भूल जाओ कहानियां, अभी फिलहाल एंट्रीज कैसे याद रखनी है वो देखना है। तो घंटी बजी, घंटी बजी, बाहर जाके उन्होंने दरवाजा खोला तो एक पोस्टमैन खड़ा था, हड़वे, कह क्यों ना, कह रहे ये ले पकड़, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, अब पैकेट खोले देखो उसमें चेक आए हुए हैं, कंपनी के नाम पे चेक आए हुए हैं। अरे वाह, अब चेक कहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे। देखो तो लोगों ने 10,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए एडवांस भेजे हुए हैं एप्लीकेशन मनी, तो दिस इज गोइंग डायरेक्टली टू द बैंक। तो इसकी एंट्री पहले क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए? 20,000। ठीक है, अब ये पैसा हमारे पास जो बैंक में आ गया, इसको हमें अपनी कंपनी के कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये पैसा हम कंपनी के कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, इसकी नरेशन जो बनती है वो सिंपल लिखना आपको, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स। सेकंड एंट्री, अब ये पैसा जो आपको मिला है इसको ट्रांसफर करने कैपिटल में, तो आप सिंपल करो, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 20,000 रुपए आपके ट्रांसफर हो गए कैपिटल में। यहां तक क्लैरिटी है आप लोगों को? नोट करो जरा। तो जब आपके पास पैसा आ गया एप्लीकेशन का, आपने उसको यूज कर लिया कंपनी के अंदर, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, अब फिर कुछ दिन हो गए, कुछ दिन खाली बैठे हैं, अब फिर पैसे खत्म हो गए, अब पैसे खत्म हो गए तो फिर चिल्लाया हनी भाई जाके, अरे भाई 20,000 रुपए में क्या गुजारा चलता है, प्लीज मैं एक फिक्टिशियस फिगर ले रहा हूँ, लाखों करोड़ों में हो सकती है फिगर। तो देखा भाई एक काम करते हैं, कंपनी के पैसे मंगाने ही है, कंपनी कैसे चलेगी, तो एक काम करो, लोगों को कॉल करते हैं, लोगों को कौन, लोगों को जिन्होंने शेयर अप्लाई किए थे, उन लोगों को फोन करते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि भैया आपके पैसे ड्यू हो रहे हैं, दोबारा पैसे भेजो। अब एप्लीकेशन पैसा तो आ चुका, कौन सा पैसा आना बाकी है? अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे। ठीक है, एक मिनट, तो हम क्या करेंगे, आप पैसा मांगेंगे, वी कॉल इट ड्यू। जब ड्यू करते हैं ना, तो इसको ऐसे लेना, देखो समझना, तो हम पब्लिक को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पैसा है ना, ये वाला पैसा, ये हमने ड्यू कर दिया, पैसा दे दो, मतलब पहली दो एंट्री रिवर्स एंट्री हो जाती है। कैसे होती है? हमने कहा सर आपका पैसा, अलॉटमेंट का जो पैसा है ना, जो अलॉटमेंट का पैसा है वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, पैसा भेज दो। तो हम एंट्री अब उल्टी करते हैं, कैसे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा? 10,000 शेयर पे 3 रुपए, तो हो जाएगा 30,000। ये अपने मांगा है, इसको बोलते हैं बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू। इसकी एंट्री ऐसे बनती है, नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू। अब हम वेट करेंगे, वेट कब तक करेंगे, जो टाइम लिमिट दिया है, फिर क्या होगा, एक घंटी बजेगी, घंटी बज के कौन आएगा, पोस्टमैन आएगा, आपको चेक देके चले जाएगा। तो क्या हुआ, टिंग टोंग, तो आपके पास अब पैसा आएगा, किसका आएगा, शेयर अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, 30,000। प्लीज इसमें मत पढ़ना कि सर आप लाइनें नहीं खींच रहे हो, जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, वो तो आपको बनाना ही है, इसके अंदर में से कहने की बात नहीं है। अब आप क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अभी हम ये मान रहे हैं कि हमने जितने शेयर इशू किए सारे के सारे सब्सक्राइब हुए, सब पे पैसा आ रहा है रेगुलर। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया, एप्लीकेशन हो गया, अब फर्स्ट कॉल मांग लो। अब फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 20,000, क्योंकि 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 10,000 शेयर है। फिर क्या होगा, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। आप देखो अल्टीमेटली शेयर फर्स्ट कॉल से कट गया, तो शेयर पैसा का कैपिटल गई है, अलॉटमेंट से कट गया, पैसा कैपिटल गई है, एप्लीकेशन से कट गया, पैसा कैपिटल गई है सिर्फ। तो कैपिटल ही मेन है, ये तो टुकड़ों के नाम है सिर्फ। अब आप फाइनल कॉल कैसे मांगोगे, टेक 1 मिनट, थिंक अबाउट इट एंड कंफर्म विद मी कि आप एंट्री सही सोच रहे थे माइंड में। तो फोर्थ एंट्री क्या बनेगी हमारी, फर्स्ट फाइनल कॉल की, यस शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 30,000 एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना पैसा आ गया 30,000। ठीक है, देखो हमने क्या किया, देखो एक सिंपल सा फंडा क्या है, 1, 2, 3, 4 चार कॉल अप में तो 8 एंट्री बननी है। तो कभी कभी 8 एंट्री की 10 एंट्री हो जाती है, कभी 11 एंट्री हो जाते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन एंड तक जब पहुंचेंगे ना क्वेश्चन खत्म करेंगे, तो आप देखोगे मैक्सिमम 13 से 14 एंट्री में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अभी कितनी एंट्री बननी चाहिए थी, सब कुछ जितने शेयर थे उतने पैसा आ गया, तो 8 एंट्री बनेगी। कहीं गड़बड़ हो गई तो बीच में कुछ छेड़खानी करेंगे, कुछ ज्यादा हुआ तो इसी में कुछ ऐड या लेस कर देंगे। तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हम मार्केट में शेयर्स को लॉन्च करते हैं, तो किसी भी कंपनी में जब शेयर इशू होते हैं उसमें 3 तरह के अलग अलग बाइफिकेशन हो सकते हैं, या तो शेयर इशू होगा एट पार, या एट डिस्काउंट, या एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है, आपके प्राइस जो शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपये का है। अगर 10 रुपये का शेयर आप 10 रुपये में इशू करते हैं, मतलब जितने का सामान है उतने का लॉन्च किया है, तो आप बोलते हैं एट पार। आपकी कंपनी बहुत ही बिल्कुल नई है, आपको लगता है कि मार्केट में लोग इतनी जल्दी हमें अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो हमें कुछ मार्केट में ऑफर देना चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है 10 रुपये का शेयर है, हम आपको 8 में देंगे, 2 रुपये का डिस्काउंट देते हैं आपको। तो कहाँ चला गया वो, हमारा चला गया 8 रुपये में। तो आपको चीज 10 रुपये की है आपकी, लेकिन आपने 10 रुपये की चीज के लिए दिए 8 रुपये, तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट दे दिया हमने शुरू से। या हमारी कंपनी इतनी अच्छी है कि लोग मरे जा रहे हैं हमारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तो अगर आप मरे जा रहे हो कंपनी में पैसा लगाने के लिए, थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए हम बोलते हैं एड प्रीमियम। तो होस्ट 10 रुपये की चीज हमने दे दी 12 में। अब याद रखना है ये डिस्काउंट और प्रीमियम नॉर्मली क्वेश्चंस में जो आपको गिवन होते हैं वो अलॉटमेंट भी गिवन होते हैं। मैं आपको पहले पूरी कहानी अलॉटमेंट के हिसाब से सिखाऊंगा, बाद में हम आएंगे दोबारा क्वेश्चंस करेंगे बड़े बड़े अच्छे लेवल के। तो आज की कहानी कहां समझनी है, पार। ये जो हमने पार में किया ना, ये पिछली जो हमने 8 एंट्रीज करी अभी, पहली 2 एंट्री उसके बाद रिवर्स एंट्रीज याद है, वो सब हमारी होती है एट पार, कि 10 रुपये का सामान 10 रुपये का गया। हमने कहा सर अगर एड प्रीमियम हुआ तो क्या करेंगे, हमने कहा एड प्रीमियम नॉर्मली अलॉटमेंट के टाइम होता ही है, मोस्टली मैं लिख देता हूं मोस्टली ऑन अलॉटमेंट आता ही है। तो आप क्या करेंगे, पहली 2 एंट्री तो सेम रहेंगी, 2, 3, 2 वाली, याद है 10,000 शेयर थे, 2, 3, 2, 3 था, लेकिन अब प्रीमियम आ गया तो यहां पे 3 की जगह हो गया 3+2, ठीक है। तो ये हो गया 3+2, तो इसका मतलब जो अलॉटमेंट की एंट्री 3rd एंट्री बनाएंगे हम, तो उसमें हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
अब यहां पे क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल उतने की ही रहेगी जितने की है, प्रीमियम डिस्काउंट उसको छोड़ के जो है वही रहेगा, एंड टू इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कैसे करेंगे हम, शेयर कितने हैं 10,000, 10,000 शेयर, उनका प्राइस कितना है 3+2 ₹5 मांगे जाएंगे, लेकिन कैपिटल कितनी है, कैपिटल है सिर्फ ₹3 की और ₹2 क्या है प्रीमियम। तो आप एंट्री कैसे करेंगे, 50,000 तो अलॉटमेंट का मनी, 30,000 कैपिटल का और 20,000 प्रीमियम का। तो अब जब पैसा मिलना चाहिए, जो मिलेगा हम मान रहे मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिलेगा, पूरा 50,000। हम ये मान रहे हैं अभी क्वेश्चन ने भी डिफॉल्ट नहीं किया है, वो हम केसेस बाद में करते चले जाएंगे, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एंट्री कैसे बन रही है। तो आपको समझ आ गया, प्रीमियम के साथ हो जाए जितना इसके सामने लिखा होगा ना, आइए एक कलर का पेन है, जितना इसके सामने लिखा होगा बस आपको वही पैसा मिलेगा या उसी में से कम ज्यादा मिलेगा। तो ये आपका पैसा हो गया बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इन केस ऑफ प्रीमियम। तो कौन सी एंट्री में फर्क आया, थर्ड एंड फोर्थ में, फर्स्ट टू एंट्री सेम, फर्स्ट कॉल की सेम रहेगी, थर्ड फाइनल कॉल की एंट्री सेम रहेगी, ठीक है, इसको नोट करो। बात करते हैं एट डिस्काउंट की। अब डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, चीज ₹10 की हम ₹8 में दे रहे हैं आपको, ₹2 का डिस्काउंट दिया, ₹2 ₹1 ₹2 ₹3 मांगे गए, तो क्या बता सकते हो डिस्काउंट कहां पर है, ये ₹2 का है, यहां पे एक है, इसका मतलब यहां पे पहले कितना था 3 था, तो डिस्काउंट कितना हो गया 2, तो इसका मतलब यहां पे कैसे लिखा जाएगा, ये 3-2 है, तो कैपिटल कितनी थी ₹3, डिस्काउंट कितना हो गया 2, मिला कितना 1, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो फिर से वही पहली दो एंट्री तो सेम चलेंगी, थर्ड एंट्री जहां चेंज आएगा अलॉटमेंट के टाइम, अब क्या हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैं तो जगह छोड़ के लिखता हूं टू कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितनी है, कैपिटल ₹3 की है, पहले भी ₹3 की थी, तो 30,000, लेकिन मिलेगा कितना, सिर्फ ₹1, तो कितना मिलेगा 10,000, तो बाकी 20,000 कहां चला गया, इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट 20,000 इंटू 2, तो ₹1 आपको मिलेगा, ₹2 का आपने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमारा खर्चा होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, प्रीमियम हमारी इनकम होती है, लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, इसलिए हम ट्रांसफर करते हैं लायबिलिटी में। अब पैसा कितना मिलेगा हमें, फिर से वही देखो इसके सामने कितना लिखा है 10,000, तो एंट्री में पैसा कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो मैं कोशिश बहुत करता हूं कि बोर्ड के सामने ना अड़ूं आपके, तो अगर कभी अड़ूं तो दो मिनट पेशेंस रख के थोड़ा जगह आने दिया करो देखने के लिए आपके लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा मिलेगा 10,000, ठीक है, यहां तक क्लैरिटी हो गई। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा कि सर शेयर्स के जो बाइफरकेशन होती है, ये कैटेगरीज जो होती है वो क्या क्या होती है, जो हमने इस बात की ऑथराइज कैपिटल से लेकर के फॉर फ्यूचर तक हमें सब कुछ करना है। फिर हमने सीखा कि एंट्रीज बनती कैसे हैं, उसका फंडामेंटल क्या होता है, पहले क्योंकि पैसा सीधा आता है तो सीधा बैंक में जाता है, फिर शेयर में ट्रांसफर होता है, लेकिन अलॉटमेंट के बाद से पहले ट्रांसफर होता है फिर पैसा आता है, याद रहेगा ये बात। तो पहली दो एंट्री को रिवर्स करेंगे बाकी चारों के लिए। नॉर्मली कितनी एंट्रीज बनती हैं, 8, अगर एट पार का केस है तो ₹10 की चीज 10 में बिक रही है, प्रीमियम में 10 की चीज हो सकता है 11 की बिके, हो सकता है 12 की, 13 की, 15 की, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। डिस्काउंट में है तो हो सकता है 10 की चीज 9 की बिके, 10 की चीज 9.5 की बिच भी सकती है, ऐसा नहीं कि 9 की 9.5 नहीं हो सकता, इट कैन बी एनीथिंग, वो कंपनी की अपनी पॉलिसी, जैसे मर्जी मैं पैसा मांगू मेरी मर्जी है। तो उस सारे केसेस में एंट्री कैसे बनेगी, अगर प्रीमियम है तो हमारी लायबिलिटी होती है इसलिए वो क्रेडिट होती है, डिस्काउंट है तो हमारा एक्सपेंस होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये हमेशा फिक्टिशियस एसेट में चला जाता है, बात की बात है वो कहानी बाद में, एक वीडियो और है फिक्टिशियस एसेट की, आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये सब चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आप ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट कई ऐसे ये ना पूछ ले कि इसका मीनिंग बताओ, आपको हमें पता ही नहीं है,
क्यों टीचर कौन था आपका? वो था एक यूट्यूब पर पढ़ाता था हमको, बकवास सा टीचर, ऐम ही आता था, पढ़ा के चले आता था। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये खर्चा, ये नहीं कि खर्चा हो गया, दीज आर द लॉसेज इन द बिगनिंग ऑफ द कंपनी जो हम बाद में कवर करते हैं धीरे धीरे, इसीलिए इनको हम ट्रांसफर करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स में, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के नाम से एक हेडिंग बनती है बैलेंस शीट में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और जो हमारे प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारी लायबिलिटी है, ये हमारा पैसा है, नहीं कमा लिया, कमाया कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज अ लायबिलिटी फॉर यू, पूरा शेयर का पैसा ही लायबिलिटी है, इसीलिए हम कैपिटल को लायबिलिटी में लिखते हैं बैलेंस शीट में। तो इसलिए एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इसमें एसेट कौन सी है? जो कैश मिल रहा है आपको, और लायबिलिटी जितना भी शेयर कैपिटल है सब आपके लायबिलिटी है। तो दोस्तों आज की क्लास में अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है, समझ आया है, तो आपके लाइक का इंतजार जरूर रहता है ताकि पता चले कि आप पढ़ रहे हो मुझसे, और दोस्तों को शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लगेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जितना लाइक करते हो ना यूट्यूब, उतना ही आगे बच्चों को और आगे ये चैनल फॉरवर्ड करता है। ये एल्गोरिथम कुछ होता है, मेरे को किसने बताया ऐसे करके, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन किसी ने बताया है कि यूट्यूब तभी और बच्चों को आगे बढ़ाएगा जब उस पर लाइक्स होते हैं, उसके व्यूज के बेस पे नहीं, लाइक्स के बेस के ऊपर इसका कुछ क्या बोलते हैं एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम होता है जिसके कारण ये आगे कैस्केडिंग करता है। तो अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करते चले जाओ और दोस्तों को बढ़ाते चले जाओ और आगे बढ़ते जाओ अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए। सिर्फ नंबरों के लिए नहीं, इसको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझने के लिए इस चैनल पे आना, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिक से बेसिक चीज़ें, बिना ये कहे कि मेरे से पेन ड्राइव खरीद लो, बिना ये कहे कि मेरे से ऑनलाइन पढ़ लो या मुझसे कोचिंग ले लो, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई पेन ड्राइव नहीं है, कोई ड्राइव में से आपको पढ़ाई के पैसे नहीं देने, सब कुछ जितना आता है जब से जितना सीखा है सब डाल रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। धीरे धीरे ग्रो करेंगे, आज 1.5 लाख से ऊपर का हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं और कई वीडियोस पे 5-5, 6-6 लाख लाइक, 5-5, 6-6 लाख के व्यूज़ हो चुके हैं। तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को पसंद आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को बढ़ाते चले जाओ, पढ़ाने का काम मेरा, बढ़ाने का काम आपका। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।